नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत इंतज़ार था काफ़ी देर से और आप लोग पूछ रहे थे, काफ़ी सवाल भी कर रहे थे, तो हम आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी बताने वाले हैं कि PBR स्टडी के बारे में। कई बार आपको लिंक भेजा गया लेकिन वो लिंक किन्हीं कारणों से चल नहीं सकी। इस समय हम हैं यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से। इसके बारे में आपको 60 में बता दें एक मिनट के अंदर कि 1870 ईस्वी में सक्सबर्ग के राजकुमार यहाँ पर घूमने आए थे, तो उन्होंने 133 एकड़ में अल्फ्रेड पार्क का निर्माण किया और उन राजकुमार का नाम जो था, यानी कि प्रिंस जो थे, वो उनका नाम ही था अल्फ्रेड, और उन्होंने कुछ याद के रूप में, याददाश्त के रूप बनाए रखने के लिए इस पार्क का निर्माण किया। बाद में जब 27 फरवरी 1931 ईस्वी को आज़ाद जी इसी पार्क में शहीद हो गए, यानी कि अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय वो खुद को गोली से उड़ा लिए, तो उसके बाद उन्हीं की याद में 21 तोपों की सलामी देकर 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं PBR स्टडी के बारे में, जो आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे कि PBR स्टडी का मतलब क्या है और इसके संबंधित कुछ इतिहास के बारे में। आप लोगों को सही दिख रहा है ना? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे क्लास में, हम आपको बहुत बार बोले हुए हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही हुई जय जयकार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। 25 दिसंबर 2017 को पहला वीडियो PBR स्टडी पर अपलोड किया गया था, जो कि लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो था, और इस समय उस वीडियो के जो व्यूअर हैं वो लगभग में 1 लाख के ऊपर हैं, बस ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद तब से आपकी लाइव क्लास शुरू हो चुकी, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या सफ़र हुआ। सबसे पहले वीडियो ही बनता था 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट, और एक वीडियो अपलोड करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय वेस्ट होता था, जिसे कहते हैं ना अनुभव ना होना। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी जानकारी जुटाया और कोशिश किया कि अब ये PBR स्टडी जो है एकमात्र यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान बन जाए, और फिर हमने उसके लिए काफ़ी प्रयास किए, और आज आप देख रहे हैं आप लोगों की कम्युनिटी 36,000 से अधिक हो चुकी है, यानी कि 5,500 तक ये कम्युनिटी आपकी हो जाती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास जो है काफ़ी दिन से डिस्टर्ब चल रही है, इस वजह से आपकी कम्युनिटी नहीं बढ़ी। PBR का मतलब क्या है? पी मतलब हमारे डैडी का नाम आप जानते होंगे, यानी कि मिस्टर पृथ्वी पाल यादव। मम्मी का नाम मिसेज विद्या देवी बी से, और आर का मतलब आप लोग जानते हैं, हमारा नाम राजकुमार यादव। तो ये है PBR का मतलब, बात समझ गए ना सभी लोग? तो अब हम बात करते हैं कि कैसा था सफ़र, कैसा क्या हुआ। शुरू शुरू में जब, जैसे आप जानते हैं बहुत से लोग आप इसमें से यूट्यूब चैनल भी बनाए होंगे, चलाते होंगे, तो 1-2 वीडियो अपलोड किया जाता था, काफ़ी लोग जो भी दोस्त लोग मिलते थे उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता था, वो लोग मज़ा लेते थे, और काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो काफ़ी क्लोजली भी थे, लेकिन उन्होंने हमें ब्लॉक भी कर दिया व्हाट्सएप पे, और शायद कुछ लोगों ने अभी तक भी ब्लॉक किया होगा। क्यों किया, इसका रीज़न क्या है कि देखिए, हमारे पास जब से हमने इसमें काम शुरू किया, यानी कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट शुरू किया, तब से हमारे पास समय की काफ़ी कमी होने लगी, लोग काफ़ी नाराज़ होने लगे कि भाई ये दिन भर यही लिंक भेजता रहता है, बाकी के इसके पास कोई टाइम वगैरह नहीं है, कुछ भी, ना नहाने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना कोई भी काम के लिए। और उसके बाद हमने उससे कोई भी टेंशन नहीं किया, लोगों को शेयर करते रहे, जोड़ते रहे, और अकेले सिर्फ गणित यानी कि मैथ के दम पर आज 5,500 की कम्युनिटी हो चुकी है पूरे 1 साल यानी कि 12 महीने में, जो कि हमारे लिए ये काफ़ी ही अच्छी बात है, अच्छी उपलब्धि है, आप लोगों का सहयोग और साथ इसी तरह से बना रहा तो ये 36,000 जो है जल्द ही 36 लाख में भी बदल जाएगा, लेकिन बस आप लोग इसी तरह से बने रहें। फिर कहीं भी जाते थे, आते थे, कोई भी मिलता था, सब लोगों को बस हमेशा कहते हैं ना, कोई भी काम करो ना तो तन मन धन सब से करो। पढ़ना पढ़ाना बहुत पहले से हमारा शौक़ था, तो हमने सोचा कि जो कुछ हमें मालूम है क्यों ना उसे शेयर किया जाए, और मैथ के जो बेसिक टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक, हमने लोगों के पास शेयर करना शुरू कर दिया, और काफ़ी लोग उसे लाइक करने लगे। धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ती गई, ट्रेन में, बस में, कहीं आते जाते, हर समय हमने लोगों को केवल और केवल बताया कि आप PBR स्टडी को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, आप लोगों को सभी क्लास मिलेगी, लोग समझते गए। और फिर शुरू शुरू में क्या था, 1-2 महीने तो जितने लोगों को सब्सक्राइब करवाओ भाई वही लोग जुड़ते थे,
मतलब अगर आपने 3 लोगों को शेयर किया तो केवल 3 लोग दिन भर में जुड़े, उसके बाद कोई भी नहीं जुड़ता था अपने आप से। 3 से 4 महीने बीत गए, 3-4 महीने के अंतराल में जो आपके कम्युनिटी हुई वो मुश्किल से 200-300 थी 3-4 महीने में, बस इतना ही। फिर अप्रैल 2018 से हमने ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया, यानी कि सब कुछ छोड़ करके, पढ़ाई जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, बीएससी के बाद मैं एमएससी के लिए अप्लाई करने के बाद एसएससी सीजीएल के कंपटीशन में आ गए हम, और कंपटीशन में जो है वो आप जानते हैं 2018 के अभी जो एसएससी का पेपर हुआ था इसके पहले, उसके जो पेपर कराने वाली आपकी ऑनलाइन कंपनी है जो पेपर करवाती थी एसएससी का, आप लोग जानते होंगे सीफी, इसका नाम था सीफी, सीफी खुद बिक गई और न्यूज़ में मीडिया ने निकालना शुरू किया कि सीफी ने खुद ही अपना सर्वर दे दिया दलालों को, और उसके जो एजेंट थे वो लोग खुद ही दलालों के फेरे में आ गए। ये सारे माहौल को देखते हुए हमारा जो मन है ना वो बिल्कुल उब गया कि भाई कंपटीशन वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं, करना है तो कुछ हटके करो, कुछ अलग करो, और सामान्य काम तो सब लोग करते हैं। उसके बाद हमने पीवीआर स्टडी को शुरू कर दिया और आज ये 50,000 लोगों की कम्युनिटी होने वाली है। आप लोग इसी तरह से बने रहें, मैथ का कोई भी टॉपिक अब तो आप लोगों के सहयोग से हम 100% गणित सिखाने की गारंटी भी लेते हैं आपको, मतलब गणित सिखाने की पूरे 100% गारंटी बेसिक से। जिन लोगों को आता है उनको नहीं, जिन लोगों को आता है वो तो ऑनलाइन बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सी कोचिंग हैं, बहुत से चैनल हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं। उन लोगों को जो लोग 12th में आर्ट लिए थे, 10th में नहीं पढ़ा, या फिर शादी हो गई, बच्चे वाले हो गए, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो लोग गणित सीखना चाहते हैं, चाहे वो टेट की परीक्षा दे रहे हैं चाहे DL BTC कर रहे हैं, उन लोगों को गणित सिखाने की हम 100% गारंटी लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और आप लोगों के सहयोग से काफ़ी कुछ सफल भी हुआ है, और ये मिशन इसी तरह से चलता रहेगा, बस आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग प्रदान करते रहें। तो बस यही सिस्टम है जो मैंने आपको पूरा बता दिया, सारी जानकारी यही थी। शुरू शुरू में अभ्यास ना होने की वजह से, ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से, एक वीडियो को अपलोड करने के लिए कम से कम जब रिकॉर्ड होता था 500 से 800 MB या फिर 1 GB की साइज़ होती थी तो उसको कंप्रेस करना पड़ता था, तो एक वीडियो को अपलोड करने में आप तक कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब आपकी लाइव क्लास जो है ताबड़तोड़ शुरू हो गई। पहले तो लाइव क्लास के बारे में मालूम भी नहीं था कि लाइव क्लास आखिर होता क्या है, और लाइव क्लास का मतलब क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कैसे शुरू करते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब फिर धीरे धीरे, कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, तो सब कुछ होने लगा। और अब जो है आप लोगों की पीबीआर स्टडी परिवार की संख्या 300 से लेकर 500 पर डे बढ़ रही है, मतलब कि अगर सभी क्लास रेगुलर होती है, कुछ क्लास कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस समय आपकी संख्या जो है वो 500 लगभग डेली बढ़ती है, मतलब कि 400 से 500 तक संख्या डेली हर दिन बढ़ती है, ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। तो आप लोगों के काफ़ी सवाल होंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, लाइव यहाँ पर से हम नहीं दिखा सके आप लोगों को, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है नेट में, और इसी वजह से हम आपको लाइव यहाँ से नहीं शो कर सके, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कई बार आपको लिंक भेजा गया लेकिन फिर भी लाइव क्लास यहाँ से नहीं हो सका। तो चलिए, सारी जानकारी लगभग में पूरी हो चुकी है, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस समय हम अल्फ्रेड पार्क, यानी कि जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कुछ साथी लोग भी आए थे लेकिन वो लोग इस समय जा चुके हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, सब लोग नाराज़ हो रहे थे, और हमें तो यहाँ से कुछ चीज़ें एकत्र करना था, कुछ जानकारियाँ जुटानी थी, इसलिए हम नहीं गए यहाँ से। तो आप लोग समझ लिए होंगे सारी बातें, चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से चलें फिर निकलें। तो आप लोग समझ लिए होंगे, सारी जानकारी आपकी लगभग में पूरी हो चुकी है, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और लगभग में जो जो पूछा था आप लोगों ने सब कुछ पूरा हो गया, अब आगे चलें हम लोग, और जो भी चीज़ पूछना है आपको पूछ सकते हैं।